हेलो फ्रेंड्स, जिनका है बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का पेपर, उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। पेपर वन, पेपर टू दोनों तरह के सवाल मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस भी मिलेगा और जीके वाला जो पार्ट है वो भी मिलेगा। तो कुल 25 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। 25 के 25 क्वेश्चन मैंने मैन्युअली लिखा है, ये कहीं से उठाया क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल लिखा है। और 25 में दोस्तों अगर आप 15 पार कर जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। पेपर वन पेपर टू दोनों के सवाल हैं। एक एक करके मैं सवाल पढ़ता जाऊँगा दोस्तों, जवाब को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जहाँ कभी मुझे याद रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ राउटर? राउटर का कंपोनेंट कौन कौन है या कौन कौन नहीं है, सही बताइए। चारों ऑप्शन आप लोग देखिए दोस्तों। राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। चार ऑप्शन है, मिनी ओएस, एनवी रैम, रोम। सही जवाब है डी, सब कुछ रहता है उसके अंदर। हार्डवेयर डिवाइस है, उसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं लगेगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं लगेगा, वो काम कैसे करेगा? तो उसमें नॉन वोलाटाइल रैम भी होता है, इस बात को याद रखिए। दूसरा सवाल है, पैकेट ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस इन विच लेयर? कौन सा ओएसआई लेयर में पैकेट ट्रांसमिशन का काम होता है? ओएसआई से दोस्तों कुछ ना कुछ सवाल तो आ ही जाएंगे। 100 क्वेश्चन डालना है बोर्ड को, तो कुछ ना कुछ सवाल तो इसमें से डाला ही जाएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा, टू का सही जवाब होगा, नेटवर्क लेयर, ठीक है। तीसरा सवाल, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो कॉल्ड? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को और क्या किस नाम से जानते हैं? स्ट्रक्चरल टेस्ट, स्ट्रक्चर टेस्टिंग, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, ऑल अबव। ये दोस्तों बनाया हुआ सवाल है खुद से, मैं नोट से, बुक से, सब जगह से मैंने दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑल अबव, थ्री का डी सही जवाब है। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग में कोडिंग पार्ट को देखते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में सिर्फ ऊपर ऊपर से यूजर इंटरफेस वगैरह चेक किया जाता है। तो इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो कोडिंग पार्ट को चेक करना और ना करना होता है। थ्री का डी सही जवाब है। चौथे सवाल पे हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर बेस्ड था? वैक्यूम ट्यूब पर, ट्रांजिस्टर पर, आईसी पर, वीएलएसआई पे? इसका सही जवाब है फोर का दोस्तों, सही जवाब है बी, ट्रांजिस्टर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए और बहुत सारे सवाल का, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और पेपर टू के लिए एक बुक का भी लिंक दिया हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो एसटीईटी वाले जो भी स्टूडेंट हैं, सीरियस एस्पायरेंट हैं, वो नीचे जा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लिंक को देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, फर्स्ट जनरेशन था वैक्यूम ट्यूब पर, सेकेंड जनरेशन आया ट्रांजिस्टर पे, थर्ड जनरेशन आया आईसी पे, फोर्थ आया वीएलएसआई पे, अब जो पांचवा है वो है एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वीएलएसआई का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पांचवें सवाल पे हम लोग चलेंगे दोस्तों। एम्प्टी स्टैक पॉप विल अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, नन, क्या होगा इसमें जवाब? डेटा स्ट्रक्चर वाले तो देख के ही समझ गए होंगे, जिन लोगों ने पढ़ाई किया है डेटा स्ट्रक्चर का। सही जवाब है पॉप विल अंडरफ्लो, पांच का ए सही जवाब है। छठे सवाल पे हम लोग चलेंगे। क्रूशकल एल्गोरिदम किस लिए यूज होता है? बाइनरी ट्री फाइंड आउट करने में, स्पैनिंग ट्री में, गूगल एल्गो में, नन ऑफ दीज। जो दोस्तों जब भी क्रूशकल एल्गो की बात आए तो आप वहां पर स्पैनिंग ट्री टिक लगाइए, आंसर लगाइए, वही सही है। सिक्स का ए सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। जब गूगल एल्गो की बात आती है तो उसमें लोगों से पूछा जाता है कि पांडा क्या है, पेंगुइन क्या है, तो जब अगर पांडा पेंगुइन रहे तो आप गूगल एल्गोरिदम में टिक लगाइए, लेकिन क्रूशकल एल्गो में होगा स्पैनिंग ट्री। सातवां है यूलर फॉर्मूला, चार एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें से सही कौन सा है यूलर फॉर्मूला? देखिए दोस्तों, वी का मतलब है वर्टिसेस, ई का मतलब है एजेस, एफ का मतलब है फेसेस। सेवन का बी सही जवाब है दोस्तों। अटेन्यूएशन इज मेजर्ड इन, अटेन्यूएशन जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो सिग्नल में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होता है, जैसे उसके एम्पलीट्यूड में फर्क आ जाना या कुछ भी और फैक्टर में फर्क आ जाना, तो जो डिफरेंस होता है सेंडिंग और रिसीविंग एंड को, जो डिस्टॉर्शन होता है वही अटेन्यूएशन कहलाता है। वो कैसे मेजर होता है? पर मीटर में, किलोमीटर में, पर मिलीमीटर में, पर सेंटीमीटर में? जिन लोगों ने फाइबर ऑप्टिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा उन लोगों ने जवाब दे दिया होगा। आठ का बी सही जवाब है दोस्तों, पर किलोमीटर में। नौवां सवाल आ गया आपके सामने, व्हाट इज रॉन्ग रिगार्डिंग क्लासेस ऑफ आईपी? आईपी के क्लासेस की बात हो रही है, इसको रट्टा मार जाइए ये वाला। ये जो वो मैंने जो प्रैक्टिस सेट जो जिसका लिंक नीचे है उसमें भी मैंने आईपी क्लास को बहुत सारे सवाल को डाला है। इसके अलावा मैंने पुरानी वीडियोस में भी इसको मेंशन किया है। बी गलत जवाब है दोस्तों। बी का जो अपर लिमिट होगा वो 192 तक जाएगा, ठीक है। दसवें सवाल पर हम लोग चलेंगे।
व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी? फुल फॉर्म का एक अलग से वीडियो बनाया था, 100+ टर्म्स का फुल फॉर्म बताया था कंप्यूटर साइंस का, तो फुल फॉर्म में कुछ ना कुछ सवाल तो आ ही जाएंगे। एसटीपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है, 10वां का सही जवाब है ए, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। 11वां सवाल है दोस्तों, मेन लाइन ऑफ टेली कम्युनिकेशन कॉल्ड, टेली कम्युनिकेशन का मेन लाइन को क्या कहते हैं? मेन केबल, कोर केबल, ट्रंक क्लैडिंग, क्या कहते हैं? 11 का सी सही जवाब है दोस्तों, ट्रंक। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया फाइबर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से। बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड टू, बैंकर्स एल्गोरिदम किसके लिए यूज होता है? डेडलॉक हटाने अवॉइड करने में, एरर अवॉइड करने में, बोथ अबव या नन अबव? 12 का सही जवाब है ए, अवॉइड डेडलॉक। 13वां सवाल आ रहा है आपके सामने, 13th क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सा यंत्र इस्तेमाल में आता है, उपयोग में आता है? ट्रांसपोर्टर, ट्रांसमीटर, ट्रांसपोंडर या नन? सैटेलाइट कम्युनिकेशन है जो जैसे हम टीवी चैनल से देख पाते हैं दोस्तों। 13 का सी सही जवाब है, ट्रांसपोंडर होता है वो डिवाइस। ये सवाल IBPS SO में ये वाला पूछा गया था पहले। फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन एटलीस्ट रिक्वायरमेंट इज, रिलेशनल डेटाबेस आप बना रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी? 1NF का, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। 14 का सी सही जवाब है, कम से कम 3NF होना चाहिए तभी रिलेशनल डेटाबेस की तरफ आप आगे जा सकते हैं। 15वां सवाल आ गया, व्हाट हैपेंस इन सेल्फ ज्वाइन? सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है दोस्तों? जो नीचे लिंक दिया हुआ है उसमें भी SQL के सारा कुछ डिस्कस किया गया है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ये सारा कुछ डिस्कस है। और जो पुराने वीडियोस में भी मेरे, अगर आप चैनल में वीडियोस ढूंढें और दूसरे प्रैक्टिस सेट STET के, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उसको देखिए एक बार जरूर। व्हाट हैपेंस इन सेल्फ ज्वाइन? सेल्फ ज्वाइन में क्या होगा? 15 का ए सही जवाब होगा, सेम टेबल ज्वाइन ट्वाइस। ठीक है, वही टेबल दोबारा ज्वाइन होगा। 16वें सवाल पे हम लोग चलेंगे, स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर डिपेंड्स ऑन, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डेटाबेस के विथ पे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर पे, नंबर ऑफ IC पे, नन पे? 16 का ए सही जवाब है दोस्तों, विथ ऑफ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस इसका सही जवाब है, डेटाबेस की विथ पर ही डिपेंड करेगा। VPN इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके लिए एक और टर्म है जो पॉपुलर है वो क्या है? ब्रॉडकास्टिंग, टनलिंग, क्लाइडिंग, नन? 17 का बी सही जवाब है दोस्तों, टनलिंग। 18वें सवाल पे हम लोग चल रहे हैं, व्हाट स्टोर्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? जब डाटा प्रोसेस हो रहा होता है तो उस दौरान वो कहाँ स्टोर होता है? प्रोसेसिंग के दौरान बात हो रही है, फ्लॉप्स में, रजिस्टर में, कैश में, रोम में? फ्लॉप्स में तो हो ही नहीं सकता है। सही जवाब है दोस्तों बी, रजिस्टर। आल्ट कंट्रोल एस विल डू व्हाट? दोस्तों कुछ शॉर्टकट्स आ सकते हैं एग्जाम में, जो आमतौर पर देखा जाए कंप्यूटर साइंस का जो लो लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें एक्सेल के, वर्ड के, एक्सेस के शॉर्टकट्स आ जाते हैं। तो मैं देखता हूँ, मैं शॉर्टकट का एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। तो कंट्रोल आल्ट कंट्रोल एस, इसका जो होता है वो स्प्लिट विंडो। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो उसमें कई सारा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो स्प्लिट करेगा ये डॉक्यूमेंट को। 19 का ए सही जवाब है। 20वां सवाल है स्पूलिंग, कल भी जो प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी स्पूलिंग की बात की थी कि जब प्रिंट हो रहा होता है तो उसमें स्पूलिंग होता है, स्पूलिंग के बारे में कौन सा सही है? वहां पर डेटा प्रोसेसिंग सीरियली होता है, 1 बाय 1। ठीक है, 20 का ये सही जवाब है। 21वां सवाल, अब हम लोग कंप्यूटर साइंस से हट गए दोस्तों। ठीक है, अब आ गए हम लोग जनरल नॉलेज पे। हु वॉज फर्स्ट CM ऑफ बिहार प्रोविंस? प्रोविंस की बात हो रही है, जरा ध्यान से। सही जवाब है ए, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, 1937 में पूरे इंडिया भर में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे दोस्तों, उस दौरान मोहम्मद यूनुस बिहार के CM बने थे और ये सिर्फ 3 महीने ही रहे थे बिहार के CM। पर अगर आपसे इस तरह का सवाल आता है कि बिहार के फर्स्ट प्रोविंशियल CM कौन थे, तो आपको मोहम्मद यूनुस लगाना है। हेलो फ्रेंड्स, जिनका है बिहार STET कंप्यूटर साइंस का पेपर। हेलो फ्रेंड्स, 21 सवाल हो गया, 22वें सवाल पे हम लोग चलते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स देयर इन विधान बिहार विधान परिषद?
देखिए, विधानसभा की बात नहीं हो रही दोस्तों, विधान परिषद की बात हो रही है, जहां एमएलसी सिलेक्ट होते हैं, एमएलए नहीं। तो एमएलसी दोस्तों कुल 75 होते हैं, 22 का ए सही जवाब है। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, 23वें सवाल पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 503 एरर कोड? एरर कोड 503 आ गया, वेबसाइट अगर आप सर्फ कर रहे हैं ऑनलाइन, तो क्या मतलब है? सर्वर नॉट अवेलेबल, इंडेक्स फाइल मिसिंग है वेबसाइट की, वेबसाइट मेल फॉर्म्ड हो गया है, या नन ऑफ दीज? दोस्तों 503 अगर आ गया तो सर्वर साइड से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। 23 का ए सही जवाब है, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। 24वां सवाल है, विच स्वीट ऑफ बिहार गॉट जीआई टैग रिसेंटली? जीआई टैग किसको मिला है? खाजा मनेर लड्डू, तिलकुट गया, नन ऑफ दीज। ये सिलाओ एक जगह है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, खाजा वहाँ का मशहूर है। 24 का ए सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस तरह के और बहुत सारे सवाल चाहिए बिहार जीके के, जो आपके पेपर 2 में आ सकता है, तो आप नीचे लिंक है कमेंट बॉक्स में, वहाँ जा सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस का 600+ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस सेट, तो उसके लिए भी नीचे लिंक दिया हुआ है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आखिरी सवाल पर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, अब जितना भी सही होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सजेशन है वही बता सकते हैं। हु इज़ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर टूरिज्म? ठीक है, पूरा बिहार का मंत्रिमंडल याद करके जाइए। 25 का ए सही जवाब है, कृष्ण कुमार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।